नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका प्रेमी आपको महसूस हो कि धीरे धीरे अब वह आपसे दूरी बनाना शुरू कर चुका है, अब वह आपसे अच्छे से बात नहीं करता, अब वह छोटी से छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, उसके मन में आपके प्रति गलत विचार आ चुके हैं, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होने की तदार पर आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को वापस पहले जैसा कैसे किया जाए, ऐसे वशीकरण यंत्र और ऐसी वशीकरण विधि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपने रूठे हुए प्रेमी को या अपने से दूर जाते हुए प्रेमी को रोकने का तरीका, अपना प्यार वापस अच्छे से कायम करने का टोटका आज मैं आपको संपूर्ण विधि के साथ समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, यह जो टोटका है यह दो प्रेमियों के लिए, पति पत्नी के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति जो आपसे रूठ कर आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, पहले से भी बेहतर करने के लिए है। तो आप इस टोटके का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी स्थान के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपका प्रेमी आपको छोड़कर किसी और लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है या आपका प्रेमी आपसे शादी करने के लिए मना कर रहा है और किसी और की तरफ शादी का हाथ बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रेमी के लिए इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पति आपसे अच्छे से बात नहीं करता या घर में किसी अन्य समस्या के कारण आप दोनों के रिश्तों में बहुत अधिक तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी कोई भी इस टोटके का इस्तेमाल कर सकता है और अपने रिश्ते में वापस प्यार और मान सम्मान की भावना जागृत कर सकता है। अगर कोई घर का सदस्य रूठ कर जाने की कोशिश करता है या रूठ कर कहीं और जाकर बैठ जाता है, घर आने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस टोटके का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, इस टोटके को किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। इसमें दिन, वार, तिथि, किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस टोटके को किसी भी स्थिति में, किसी भी शुभ दिन, शुभ वार और शुभ घड़ी को देखकर आप कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने एक भोजपत्र लेना है और भोजपत्र के ऊपर आपने रक्त चंदन यानी कि लाल सिंदूर के द्वारा इस यंत्र का निर्माण इस प्रकार से कर लेना है। यह यंत्र हमने सफ़ेद कागज़ के ऊपर बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके और आप इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर बड़ी आसानी से बना सकें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने इस यंत्र का जो निर्माण है भोजपत्र के ऊपर कर लेना है। निर्माण करने के लिए आपने लाल सिंदूर की स्याही तैयार कर लेनी है और कलम के लिए आप अनार की कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चमेली की कलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह दोनों आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसके लिए मोर पंख की कलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस यंत्र का आपने निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र को जब आप बना लें अच्छे से, तो बनाने के बाद आपने इसको रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी के अंदर छोड़ देना है और छोड़ने के बाद अगले दिन आपने इस यंत्र को उठाना है और उठा के इसी यंत्र को अपने सिर के ऊपर से टोटल 11 बार घुमाना है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 11 बार घुमाना है और घुमाने के बाद एक मंत्र मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, उस मंत्र को आपने टोटल 21 बार ही जपना है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा बार उस मंत्र का जाप नहीं करना है, आपने मात्र 21 बार ही उस मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है इस प्रकार है, ओम नमो शिवरूपाय अमुकेन विच्छ कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शिवरूपाय अमुकेन विश्य कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से जहाँ पर अमुक दिया हुआ है वहाँ पर आपने अपने प्रेमी
पति या उस सज्जन का नाम लेना है जो आपसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। और इस मंत्र को आपने टोटल 21 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसी यंत्र को आपने वापस अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र को इस प्रकार से आपने फोल्ड कर लेना है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद अगर आपके पास कोई ताबीज़ हो तो आप उसे इस ताबीज़ में डाल लीजिएगा। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी ताबीज़ नहीं है तो आप इसको सीधा अपने कंधे के ऊपर भी बांध सकते हैं। अगर ताबीज़ है तो आप इस यंत्र को इस ताबीज़ में अच्छे से भरकर अपने कंधे के ऊपर ही धारण करें। जी हाँ दोस्तों, इस यंत्र को गले में नहीं पहना जाता, तो आपने इस यंत्र को ताबीज़ के अंदर इस प्रकार से अच्छे से डालकर और लाल धागे की सहायता से, जैसे कि इसमें ये स्थान बना हुआ है, इसमें लाल धागा डालकर आपने इसे अपने कंधे के ऊपर ही धारण करना है, ताकि यह हमेशा आपके शरीर के साथ स्पर्श किया हुआ रहे। इस प्रकार करने से आपका प्रेमी भी आपको वापस प्राप्त हो जाएगा, वह कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएगा। अगर वह शादी के लिए भी मना कर रहा है तो उसको भी आप वापस अपने साथ ही शादी विवाह के लिए मना सकते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता भी पहले से बेहतर हो जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मन मुटाव दूर हो जाएंगे और वापस से एक परिवार के अंदर खुशियां लौट आएंगी। अगर कोई प्रेमी सज्जन है तो उसको भी बड़ी आसानी से मनाया जा सकता है और वापस घर बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों यह सरल सा टोटका है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए भी आप हमारे विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं, अपनी उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।